अब जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होती है सीक्वेंस बेसिकली एक कलेक्शन को बोला जाता है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर हो ठीक है जैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सीक्वेंस ऑफ नेम्स सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स सीक्वेंस ऑफ डेटा सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन यू नो कैपेबिलिटीज सीक्वेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल दिस काइंड ऑफ थिंग्स सीक्वेंस मतलब जो कलेक्शन ऑफ समथिंग इन टू वन फॉर्मेट

जो सबसे पहले है उसको मैं क्या कहूंगा कि ये नंबर एक पोजीशन पे है जो उससे बाद है उसे हम बोलेंगे दूसरी पोजीशन पे है उससे बाद है उसे बोलेंगे तीसरी पोजीशन पे है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स समझ आ गई बात कि इंडेक्स क्या होता है जिस पोजीशन पे कोई आइटम बैठी है उसको हम बोलेंगे इंडेक्स राइट सीक्वेंस इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑर्डर कलेक्शन कुलेक्शन इट शुड बी इट शुड हैव एन ऑर्डर वरना मसला होगा वेर ईच आइटम कैन बी एक्सेस इट्स एक्सेन इन द सीक्वेंस दस लोगों की लाइन लगी अगर मैं बोलूँ सात नंबर शर्ट वाला ऑफ कोर्स उनको नंबर भी दिए हुए हैं मैंने तो सात नंबर शर्ट वाला प्लेयर आ जाए या आप ये समझ लें कि ग्यारह लोग क्रिकेट के हैं उनको एक लाइन में खड़ा हुआ है उनको बोलें कि सात नंबर प्लेयर जो है वो जो सामने आ जाए ठीक है तो अगर वो सेकंड नंबर प्लेयर का बुलाऊं तो वो आ जाए सो इसको बोला जाता है सीक्वेंस और इंडेक्सिंग होती है किसी पोजीशन की बेस पे उसको हम पढ़ने वाले हैं बट फॉर नाउ सीक्वेंस को देखते हैं सीक्वेंस अलाउज फॉर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग Index की समझ लगी क्या होती है पोजिशन के बेस पे स्लाइस समझाऊं अगर पहले तीन को मैं उठा के साइड पे कर दूं पिछले सात वहीं पे वही दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग यानी कि कट कर दूं किसी भी एक पोजीशन से दो हिस्सों में चीज़ों को स्लाइस करना आलू काटते हैं ना आप पकौड़ों के लिए तो वो स्लाइसिंग होती है ठीक है स्लाइसिंग का मतलब है चीजों को डिवाइड करना इंटू डिफरेंट पार्ट्स राइट अब सीक्वेंस जो है ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है क्यों ताकि रिट्रीवल ऑफ डेटा यानी कि जब हमने डेटा वापस लेना है जहाँ पे स्टोर किया है अभी तक हम स्टोरेज ऑफ डेटा पढ़ते आए हैं वहां से हम डेटा को बुला सकें जिस डेटा को हमारा दिल करे सौ रोज है मैं कहूँ निन्यानवे नंबर रो मेरे सामने आ जाए इट शुड बी देयर ठीक है समझ आई बात की ऑर्डर कलेक्शन के अंदर अब मुझे को बताएगा कि ऑर्डर कलेक्शन में डेटा टाइप क्या होती है वेरिएबल कौन सा था या डेटा स्ट्रक्चर कौन सी थी ऑर्डर कलेक्शन में Exactly, राइट आंसर लिस्ट थी ठीक है जिस जहां पे ऑर्डर कलेक्शन होगी वहां पे आप चीजों को निकाल सकेंगे क्या ट्रिपल ऑर्डर कलेक्शन था या अनऑर्डर था इसको दोबारा से देख लीजिए एक दफा जिनको कोई आपके मिक्स आंसर आ रहे हैं सो दैट इज वाई आवर्ज कि जब भी आपने कोई काम करना है प्लीज रिवाइज द प्रीवियस थिंग ताकि आपको समझ आ जाए ठीक है वरना ये होगा कि आपके लिए फिर मसला होगा ठीक है सो इस वजह से मैं बोल रहा था कि लिस्ट और ट्रुपल्स और सेट्स वगैरह का आपको पता होना चाहिए ठीक है ये हैं जी हमारे पास यहां पे चेक करें ट्रुपल जो है और लिस्ट जो है ये है हमारे पास एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ हमारे पास वेरियस आइटम ये है इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते रिलेटेड डेटा की बेस पे ही होता है बट अगर मैं ट्रिपल की डेफिनेशन निकालूं तो ये है जी ट्रिपल की डेफिनेशन व्हेन यू नीड एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ये ऑर्डर्ड है बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड सिर्फ ये फर्क था सो so, जिन लोगों का आंसर था अनऑर्डर्ड गलत हो गया कोई बात नहीं मार्क्स नहीं कटने दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको प्रीवियस डेटा के ऊपर काम करना जरूरी है जब आप किसी चीज़ को रिट्रीव कर रहे हो या समझ रहे हो ठीक है अब आगे चलते हैं हमारे पास कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्वेंस इन पाइथन आर स्ट्रिंग्स हैं स्ट्रिंग के अंदर आपके पास क्या होता है ऑर्डर्ड एट नंबर ऑफ या ऑर्डर कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होते हैं जैसे मेरा नाम है अमार ए ए एम एम ए आर ठीक है कितने हो गए दो दो चार दो छे।, छे मेरे पास करेक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर मेरा नाम बनाया दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग लेकिन ऑर्डर्ड कलेक्शन है लिस्ट अ अम्यूटेबल या चेंजेबल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स ऑफकोर्स यू नो लिस्ट क्या होती है ट्रुपल्स के अंदर भी हो सकता है एंड रेंज के अंदर भी सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेटेड यूजिंग रेंज फंक्शन ठीक है इसको भी हम देखेंगे रेंज फंक्शन होता है मैं चाहता हूं कि एक से दस तक नंबर खुद ब खुद बन जाए मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ठीक है उसको बोला जाता है रेंज तो वो वाली कलेक्शन भी यहां पर आ जाएगी हम इनको सीक्वेंस बोलते हैं एंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसमें ऑर्डर होता है ठीक है ऑर्डर के बगैर ये नहीं चलेगा राइट right? इसमें इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं इंडेक्सिंग आपको पता चल गया पोजीशन के बेस पे किसी चीज को रिट्रीव करना एंड देन वी कैन आल्सो डू स्लाइसिंग ये तीन काम हम इन पे कर सकते हैं राइट right? अब बहुत आसान है सीक्वेंस को देखना लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्या होती है बेसिकली आपके सीक्वेंस के अंदर कितनी आइटम्स मौजूद हैं अगर नंबर की सीक्वेंस है कितने काउंट ऑफ नंबर्स है दैट इज कॉल्ड लेंथ समझ आ गई आप इसके लिए लेंथ का फंक्शन len लिखते हैं तो सीक्वेंस की लेंथ आ जाती है सिंपल ठीक है इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पांच है तो ऑटोमेटिकली आउटपुट मेरे पास पांच आ जाएगी वी विल डू दैट ऑल्सो इन पाइथन लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप लेंथ ऑफ सीक्वेंस जो है वो चेक कर सकते हैं ठीक है सीक्वेंस के कुछ कॉमन ऑपरेशन भी होते हैं कैसे अगर आप चेक करें हम यहां पे मेंबरशिप टेस्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीक्वेंस है ऑफ स्ट्रिंग्स सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस होती है लेकिन सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग इज लाइक फ्रूट्स हैं मेरे पास एप्पल बनाना एंड चेरी ठीक है हम इसको मेंबरशिप टेस्ट कर सकते कि क्या इस सीक्वेंस में फ्लान चीज है या नहीं इसकी मिसाल दूं आपको ये फ्रूट्स की बजाय अगर आपकी फ्रिज होती तो आपके पास फ्रिज में एप्पल भी बनाना भी चेरीज भी ठीक है तीन चीजें तो आप अब अब खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मेरी फ्रिज में बनाना पड़े हुए हैं अगर उसका आंसर है यस इसका मतलब है कि मेंबरशिप है यानी कि फ्रिज में बनाना है दैट्स द मेंबरशिप टेस्ट और आप सिंपली इन फ्रूट्स लिख देंगे या आप लिखेंगे प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स तो वो ट्रू या फॉल्स में आंसर आ जाएगा ठीक है इवन दो अगर आपका कैपिटल एंड स्मॉल लेटर भी हो गया तो मसला होगा सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेंसिटिव केसेस समझ आ आगे जी यहां तक आगे चले ओके okay. तो ये था जी मेंबर टेस्ट अब इसके अलावा एक और कॉमन सीक्वेंस ऑपरेशन है कॉनकेटिनेशन ये बहुत आसान है टेंशन नहीं लेनी कॉन्केटिनेट करना मतलब किसी चीज को जोड़ना बस इतनी सी बात है कॉन्टिनेशन का मतलब जोड़ना ठीक है यू कैन कॉन्केटिनेट सीक्वेंस यूजिंग प्लस ऑपरेटर यानी कि ये मेरे पास पहली लिस्ट है ये दूसरी है मैं सेंटर में प्लस लगाऊंगा तो दोनों जुड़ जाए जुड़ के एक बन जाएगी सीक्वेंस समझ आई सेम काइंड ऑफ सिक्वेंस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दोनों नंबरिक है इंटीजर है दोनों में इन इन दोनों के दरमियान प्लस लिखूंगा तो मेरे पास दोनों जुड़ के आ जाएंगी स इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट कॉन्केटिनेशन समझ आ गई कॉन्केटिनेट करने की चीजों को जोड़ना ठीक है और वही सीक्वेंस के साथ जुड़ेंगी जो वहां पे है क्योंकि ऑर्डर्ड आइटम है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होगा एंड पे ये नहीं होगा वन टू थ्री सिक्स फाइव फोर ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि ऑर्डर्ड है कीप इन माइंड ऑर्डर्ड अब हम आगे चलते हैं एक और ऑपरेशन है बड़ा आला किस्म का दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन अब आपको मैंने बताया था यूनिक आइटम सिर्फ सेट में होती हैं अदर डेटा के अंदर आपके पास डुप्लीकेटेड आइटम्स आइटम्स हो सकती हैं सो यू कैन एक्चुअली सी कि आपके पास जो रिपीटेड हो रही है एक लिस्ट में वो भी या आप किसी चीज़ को रिपीटेडली प्रिंट करना चाहते हैं वो भी तो रेपिटेशन या रिपीट करना आप दोनों आइटम्स इसमें लगा सकते हैं सो so, आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे अपनी किसी भी सीक्वेंस को किसी भी नंबर के साथ वो उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगी इसकी मिसाल बड़ी आसान सी है आपको बचपन में स्कूल से होमवर्क मिला होगा या आप में से काफ़ी टीचर्स हैं जो बच्चों को होमवर्क देते हैं कि यही लफ्स सौ दफ़ा लिख के लाओ आजकल के बच्चे तो नहीं लिख हमने लिखा हुआ है ये यू नो तो वो जो सौ दफा लिखना था दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन तो अगर पाइथन का दौर होता तब तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करते हंड्रेड से ऑटोमेटिकली आ जाता यू कैन इवन चेंज द फॉर्ट सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो आजकल एडवांस हो चुकी हैं ठीक है जी देन हम चलते हैं कि सीक्वेंस जो है इसकी समरी क्या है क्या होती है किस तरीके से होती है सीक्वेंस ऑर्डर्ड कलेक्शन है ठीक इस है इसमें स्ट्रिंग लिस्ट ट्रुपल्स रेंजेस कॉमन टाइप्स है सीक्वेंसेस की ऑपरेशन आप कई किस्म के कर सकते हैं इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं स्लाइसिंग भी कर सकते हैं इनकोनेट भी कर सकते हैं रिपीट भी देख सकते हैं एंड एंड मेंबरशिप टेस्ट भी कर सकते हैं सीक्वेंसेस आर वन ऑफ द मोस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स ठीक है अब आप सोच रहे होंगे ये नई डेटा स्ट्रक्चर आएगी नई नहीं है हमने सिर्फ ये जो स्ट्रिंग लिस्ट ट्रूपल एंड रेंजेस थी ना इसको ग्रुप कर दिया सिक्वेंसिस के अंदर सिंपल एंड दैट्स कॉल्ड आर डेटा स्ट्रक्चर विच अलाउ फॉर पावरफुल एंड फ्लेक्सीबल डेटा मैनिपुलेशन क्योंकि हम इनको स्लाइस कर सकते हैं इंडेक्स कर सकते हैं अगला लेक्चर हमारा इंडेक्सिंग का ही है सो डोंट वरी अबाउट दट आज ही आपको इंडेक्सिंग समझा के छोड़ूंगा देन यहां पर लेट वी नो इफ यू लाइक टू मोर अबाउट एग्जाम्पल्स राइट डॉन इन द चैट इफ यू टू नीड इफ यू टू हैव मोर एग्जाम्पल्स और दीज आर इनफ सीक्वेंस की एक और एग्जाम्पल आपको दे दू बहुत आसान है पैसों की थी देखी है नहीं देखी मैं आपको बता बताता जब फ्रेश नोट आते हैं ना बैंक से वो सीक्वेंस में होते हैं किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ मुझे बड़ा शौक है नए नोट कलेक्ट करने का बेचा कुछ दस दस साल ही हो तो क्या होता है नए नोट आपने निकलवाए बिल्कुल नए फ्रेशली प्रिंटेड ठीक है वो जो ईद पर मिलते हैं जहाँ से ईदी मिलती है वो पहले नोट पे जो नंबर होगा वो एक होगा उसके एंड पे फिर टू फिर थ्री फिर फोर और सौ की कॉपी होती है मैक्सिमम तो वो सीक्वेंस के अंदर होते हैं ठीक है सीक्वेंस वो होगी इसके अलावा सीक्वेंस हो सकती है फॉर एक्जाम्पल अगर आपने काउंटिंग करवानी है बच्चों से तो जिस बच्चे को अच्छी आती है एक से दस तक वो सीक्वेंस में बताएगा ठीक है सीक्वेंस का मतलब है किसी भी चीज का असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग से असेंडिंग में या अगर असेंडिंग डिसेंडिंग के अलावा भी कोई चीज है जिस पोजिशन पर एक दफा आ गई है दैट शुड बी एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन ठीक है जी ये है हमारे पास सीक्वेंस होपफुली आपको क्लियर होगी होगी सीक्वेंस देखें जरा पाइथन में जाके सीक्वेंस कैसे बनानी है और किस तरीके से होती है क्या ख्याल है ओके लेट्स मूव इन टू पाइथॉन मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सीक्वेंस क्या होती है एंड हियर वी गो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी आपको राइट right? कि रॉन्ग राइट ओके सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ किसी भी एक सीक्वेंस को बनाता हूँ और ऑफकोर्स मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करूंगा यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करूंगा वेरिएबल्स के अंदर राइट क्लिक करके ओपन फाइल फोर सी कू एनसिस डॉट आई पी वाई एन बी यू नो मीन कि मैं किस तरीके से बना रहा हूं यहां पे मैं लिखूंगा सी कूएंसिस एंड ये जो नीचे कीबोर्ड आपके पास टाइप होता हुआ आ रहा है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि मैं कौन सी की प्रेस करता हूँ उसके बेस पे आपको समझ आती जाएगी इट्स मोर इजी फॉर यू यहाँ से कर्नल साहब सेलेक्ट होंगे जो पाइथन बेसिक वाले हैं यहाँ पे मैं सीक्वेंस बनाऊंगा फॉर फॉर एक्जाम्पल मैं बनाता हूँ एक लिस्ट ठीक है लिस्ट इज इक्वल टू मैं किसी भी सीक्वेंस में लिख देता हूँ दस बीस तीस चालीस पचास ठीक है ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन गई है राइट इसको मैं रन करता हूँ ऑफकोर्स अगर मैं रन करूंगा ये प्रिंट नहीं हो रहा क्या मसला है जी कोई बता सकता है एनी वन आ जाओ आ जाओ हमने इंटरेक्टिवली काम करना है ऐसा नहीं होना दिस इज मार्कडाउन सेल वी हैव टू रन इन कोडिंग सेल तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं इसको कोडिंग में दो तरीके हैं मैं टिप्स साथ साथ दूंगा एक इस पर क्लिक करके मैं पाइथॉन सेलेक्ट कर लूं जो मुश्किल काम है मैं यहाँ पे आके सिर्फ वाई प्रेस करूंगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इंट कोड यहाँ पे क्लिक करूंगा जब सेल सिलेक्ट हो जाएगा देन आई विल प्रेस एम टू कन्वर्ट बैक इंटू मार्कडाउन यहां पर क्लिक करके वाई को प्रेस करूंगा देन इट विल बी कन्वर्टेड बैक इंटू कोड एंड यू विल सी पाइथॉन हेयर और ये पाइथॉन क्यू आ रहा है बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड पाइथॉन कर ठीक है कर्नल बासमती के चावल तो आपने देखे होंगे ये कर्नल पाइथन का रनर है बेसिकली पाइथन को कंट्रोल करता है पाइथन का एडमिनिस्ट्रेटर कह लें या पाइथन का रिसेप्शनिस्ट बोल दें सो so, ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई ठीक है सो दिस इज द लिस्ट जहां यहां पे टिक आने का मतलब होता है ये कोड चल पड़ा है एंड अक्सर कहा कि यह कोर्ड थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है रीजन बिहाइंड दैट कर्नल साहब थोड़े से सा नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इट विल टेक टाइम ठीक है सो डोंट वरी अगर ऐसा कुछ होता है समटाइम्स हमारे पास ये जो टाइम है इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है अच्छा और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है सो वट यू कैन डू यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन और अक्सर अक्सरकात यहाँ पर आपको एक मज़े की ऑप्शन भी आती है सम ऑफ़ यू नो अबाउट दैट ये कहता है कि कर्नल साहब वफाद पा गए हैं ये वाले कर्नल साहब यहाँ से ठीक है कर्नल सो इंटरप्टिंग कर्नल वो नहीं रुक रहा है ढीट कर्नल है सो डोंट वरी अबाउट दैट सो इट विल टेक सम टाइम यू कैन इंटरप्ट फ्रॉम हेयर यू कैन क्लिक हीयर यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स और इसको आप रोक सकते हैं अगर फिर भी कोई मसला आया तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लोज विंडो भी कर सकता हूँ लाइक दैट ठीक है सो इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड समटाइम्स यू जस्ट नीड टू नो कि कैसे इसको बंद करना है मैं वी एस कोड को ओपन करता हूँ दोबारा से वहीं से ओपन होगा मैं सिक्वेंसेज में जाता हूँ यहाँ पर ये यह मेरे पास अब कर्नल साहब डिटेक्ट हो रहे हैं इट विल टेक सम टाइम लेकिन जैसे मेरे पास कर्नल डिटेक्ट हो जाएंगे आई विल सेलेक्ट दिस पाइथॉन एंड देन आई विल जस्ट क्लिक हीयर आई एम लेट्स सी नाउ इट्स फाइन ठीक है सो थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ता है ये जो मैंने पहले आपको काम करके दिखाया कि आपने नहीं करना कहने का मकसद ये लेकिन नहीं अगर तीस मिनट तक पंद्रह मिनट तक दस मिनट तक चले जाए तो फिर रोक देना सो दीज आर सम टू डू दैट ये लिस्ट हमारी बन गई ठीक है एनी कलेक्शन ऑफ आइटम्स को हमने बोला था कि वो हमारे पास जो है वो बेसिकली एक लिस्ट है या हमारे पास क्या है वो एक सीक्वेंस है ये सीक्वेंस मेरे पास एक आ गई एक और सीक्वेंस है मेरे पास मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल देते सेकंड को मैं बोल देता हूँ फ्रूट्स यहां पे मैं सीक्वेंस में रखता हूं एप्पल बनाना एंड चेरी ठीक है और तीनों मेरे पास जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है मैं इसको रन करता हूं मेरे पास फ्रूट एंड लिस्ट आ गई ठीक है इसके अलावा देर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू अब मैं इस पर कुछ ऑपरेशन करता हूं यह सीक्वेंस ऑफ थिंग्स है मैं रेंज भी एक बना लेता हूँ चले आप क्या कहते हैं रेंज इज़ इक्वल टू रेंज फंक्शन टेन तक मैं करूंगा एंड देन यू विल सी कि उसकी रेंज बन जाएगी ठीक है अब रेंज फंक्शन के अंदर एक और काम है अगर मैं यहां पर कॉमा लगाता हूं आई कैन एक्चुअली राइट के स्टॉप काम भी करनी है स्टार्ट स्टॉप स्टेप ठीक है स्टार्ट स्टॉप स्टेप समझ रही बात की ये देखिएगा ये पहला है मैं चाहता हूं एक से बीस तक हो स्टार्ट स्टॉप स्टेप स्टेप मतलब कितना उसका जो है वो स्टेप होना चाहिए सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन रेंज ठीक है मैं यहां पे इसको रन करता हूं एंड नाउ आई विल प्रिंट वन बाय वन लिस्ट को मैं अगर प्रिंट करता हूं आई कैन जस्ट डू लाइक दिस क्योंकि एक सेल है अगर एक से ज्यादा हो देन आई हैव टू राइट प्रिंट मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं आई एम मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग इट से यह कैसे काम करती है लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखता हूँ तो ये हमारी सेकेंड लिस्ट बन गई है ठीक है देन द थर्ड वन इज रेंज अब मुझे बताए मैंने यहाँ पर गलती क्या की है कोई बता सकते हैं बड़ी एक रिफाइंड सी गलती मैंने की है और जानबूझ के की है. किसी ने नोट नहीं किया मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ फिर खुद ही ना 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 छोटी मोटी गलती नहीं है ये लेक्चर से रिलेटेड है फंक्शन के नेम को मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया या ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया इट शुडेंट बी लाइक दैट आई समझ कि नहीं आई समझ यस सो वी कैन से रेंज ऑफ नंबर्स दिस इज फाइन सही है आई समझ इसने कोई एरर नहीं दी लेकिन लेटर ऑन जब आप बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं कोई ऐप बना रहे होते हैं उस वक्त ये मसला आता है सो so नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है रेंज ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल कोर्स दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये वेरिएबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं यू कैन सी येयर समझने बाद मेरे पास ऑलरेडी रेंज का ऑब्जेक्ट बन गया है और जो एरर आ रही है अगर मैं फंक्शन अब यूज करूंगा तो वो फंक्शन भी नहीं चल रहा देखा है आपने फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहता हूं रेंज ऑफ नंबर्स रेंज वन टू टेन में कर देता हूं वन कोमा टेन और एक के स्टेप से ये चले मैं इसको रन करता हूं लेट्स सी ये एरर क्यों आ रही है ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज नॉट कॉल हालांकि मैं फंक्शन लिख रहा हूं सो दिस इज वट हैपन्स वेन यू यूज सम काइंड ऑफ वेरिएबल्स ऑलरेडी इन योर सिस्टम इसका तरीका कार्या होता है इसका तरीका कार होता है या तो आप वेरिएबल को बंद कर दें एक और तरीका होता है यहां से कर्नल साहब को रिस्टार्ट करने का आप रिक्वेस्ट कर लें ठीक है यूजली इट्स फास्ट समथिंग लाइक दिस नॉ इट्स वर्किंग फाइन ठीक है समझ आई बात की दिस इज हाउ यू कैन डू ओके यहाँ पे लिस्ट हमने प्रिंट की यहाँ पे फ्रूट प्रिंट किए और यहां पर रेंज ऑफ नंबर हम प्रिंट कर लेते हैं एंड दिस इज हाउ इट वर्क राइट ये हमने एक से दस तक किया अब आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये रेंज जो मैंने लिखा है एक से दस तक ये क्या कर रही है इट्स नॉट गिविंग मी एनी रेंज तो किसी को पता चल सकता है पता कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या गलती है हमारी अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लाइक दिस इट्स स्टिल गिविंग मी दिस थिंग क्या गलती हो सकती है कोई बता सकता है को मैं वन टू टू लेता हूं चले ऐसे कर लेते हैं कहते ये वाली गलती है नहीं हो रहा फिर भी अब देखते हैं क्या होता है स्टिल गिविंग मी दिस थिंग Use this bracket. Let's do it. किसी को पता है कि क्या क्यों ये एरर आ रही है हमारे पास आपने पहले नोट नहीं किया यू जस्ट वेंट इट लाइक दैट ले जनाब इसके साथ भी नहीं होना चलें इसको देखिएगा ये एक से ऑनवर्ड हमारे पास नंबर क्यों नहीं प्रिंट कर रहा ठीक है एंड दिस इज योर काइंड ऑफ असाइनमेंट दिस इज बिग नहीं नहीं कन्वर्टेड कोमा वगैरह का कोई रोल नहीं है जो आपकी सजेशन आ रही है फंक्शन totally का कैसे काम करता है ठीक है इट इट्स वेरी इजी आपने सिर्फ गूगल पे लिखना है हाउ टू डिफाइन अ रेंज फंक्शन इन साइड इट एनी हाउ ये हमारे पास लिस्ट है एंड फ्रूट है अब इसके ऊपर हम कुछ और फंक्शन लगाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट uh, किस्म के फंक्शन हैं उनको किस तरीके से हम uh, लेके आ सकते हैं अब सबसे पहला फंक्शन हम क्या करेंगे देखेंगे कि प्रिंट अब यहां पे मैं लिखता हूं ब्रैकेट ओपन करके यहां पे लिखता हूं हमारे पास जो फ्रूट्स के अंदर चीजें हैं फ्रूट के अंदर एप्पल है मैं यहां पे लिखता हूँ एप्पल इन फ्रूट्स अगर ये होगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ट्रू सिंपल ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स सेकेंड हम क्या कर सकते हैं रेंज के फंक्शन के अंदर सॉरी जो हमारा लिस्ट का फंक्शन है दो लिस्ट बनाता हूं मैं लिस्ट अंडर स्कोर करता हूँ एक और लिस्ट अंडर स्कोर करता हूँ अब इसको कंकैटिनेट करते हैं लिस्ट टू मैं इन दोनों को रन करूंगा यू विल सी कि जो हमारे पास प्रिंट होकर ऑप्शन आएगी दोनों की कंकैटिनेशन के साथ आ जाएगी एंड देन वी कैन डू अनदर वन फंक्शन जो हमारा रेपिटिशन है अब अगर मैं लिस्ट को दो से मल्टीप्लाई कर दू या मैं लिस्ट वन को ही दो से मल्टीप्लाई कर दू या समथिंग लाइक दिस देन यू विल सी कि जो पहले वाला काम है वो हमारे पास दो दफा आ रहा है दिस इज सीक्वेंस ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस बनती है राइट right? यहां तक क्लियर हो गया अब एक काम हम और करते हैं यहां पे मैं लिखता हूं लिस्ट लिस्ट ऑफ रेंज का फंक्शन है हमारे पास एंड इफ वी रन लाइक दिस ये फिर भी हमारे पास एरर दे रहा है ये भी चैट के अंदर आ रहा है सो आई थॉट मे बी वी कैन चेक इट नाउ इज नॉट वर्किंग सो यू हैव टू चेक इट राइट सीक्वेंस के अंदर ये वाली असाइनमेंट आपने करनी है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी आगे मूव करते हैं हम